हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रवीण यादव फ्रॉम उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस सैफई इटावा। आज अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग हो रही है। जी हाँ, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की आज काउंसलिंग हो रही है बीएससी नर्सिंग की। आप विशेष ध्यान देंगे जो काउंसलिंग स्टूडेंट करवा रहे हैं। काउंसलिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप काउंसलिंग करना अभी नहीं जान रहे हैं, काउंसलिंग नहीं किए हुए हैं, तो काउंसलिंग आप बहुत अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि अगर कॉलेज एक बार अलाट हो जाएगा तो कॉलेज दोबारा चेंज होगा, फिर आपको पैसा देना पड़ेगा। ऐसा इसमें लिखा गया है, जो अभी इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा होगा, काफी इंस्ट्रक्शन में डिटेल में और अच्छे से उन्होंने क्लियर कर दिया है। अभी इंस्ट्रक्शन हम आपको एक बार पढ़ के बताएंगे। लेकिन काउंसलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, अगर आप रूरल एरिया से हैं या सिटी से हैं, ज्यादातर चांस करिएगा जो कॉलेज आप अलाट करवाएंगे, कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे। पहले गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे, इसके बाद प्राइवेट कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में जैसे गवर्नमेंट कॉलेज हो गया झांसी हो गया, या गवर्नमेंट कॉलेज हो गया जीएसबीएम हो गया, तो इनका प्रेफरेंस आप पहले देंगे। जीएसबीएम में भी फीस लगभग कम ही फीस है, और झांसी में भी जो झांसी मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे बीएससी नर्सिंग की 40 सीटें हैं, और 40 सीटें और बढ़ गई हैं, लगभग वहाँ पे 80 सीटें हैं, और जीएसबी में 40 सीटें हैं, तो लगभग गवर्नमेंट की 200 सीट हैं। तो आप पहले प्रेफरेंस देंगे गवर्नमेंट सीट का, इसके बाद प्रेफरेंस देंगे प्राइवेट सीट का। तो प्राइवेट में जो अच्छे कॉलेज हैं उनको आप पहले डालिएगा। जो गर्ल्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है कि गर्ल्स के कॉलेज ज़्यादा हैं, जैसे बीसीएम हो गया जो नोएडा में है, वो भी अच्छा कॉलेज है, तो उसका भी प्रेफरेंस आप पहले देंगे जो है गर्ल्स हैं। और इसके बाद विवेकानंद, विवेकानंद भी एक जो लखनऊ में है वो भी बहुत अच्छा कॉलेज है, उसका भी प्रेफरेंस आप जो है पहले देंगे। और जो कॉलेज हैं, बहुत से कॉलेज ऐसे ऐड हो चुके हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिनके कॉलेज में एडमिशन तक नहीं होता है, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड हो गए हैं। तो ऐसा आप नहीं करेंगे कि आप जो मन कहे वही कॉलेज ले लेंगे, बाद में बहुत दिक्कत होना पड़ेगा। क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण हम आपको बता रहे हैं, जैसे आप सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं जॉब करना सोचेंगे। ऐसे नहीं, क्योंकि क्लास तो चलती रहती है, आप सोचेंगे कहीं ना कहीं जॉब मिल जाए। तो अगर आप सिटी में रहते हैं तो आराम से जॉब भी कर सकते हैं, क्योंकि आप सेकेंड ईयर में रहेंगे, ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है, क्लासें चलती है, तो आप अगर सिटी में हैं तो आप कहीं ना कहीं हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आप अर्निंग और सारी चीजें जो है कर सकते हैं, जो है अच्छा सैलरी भी देते हैं, कम से कम 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी भी देते हैं। तो सिटी में कॉलेज चूज करने का यही फायदा है, और सारी चीजें अच्छी होती हैं सिटी में, गाँव से बेहतर होती है, इसलिए ज़्यादातर चांस करेंगे कि कॉलेज सिटी वाले प्रेफर करेंगे। और कॉलेज ज़्यादा वैसा ना प्रेफर करेंगे जिनमें ज़्यादा फीस हो, जैसे कुछ कॉलेज हैं जिनकी फीस 1 लाख प्लस है और ज़्यादा फीस है, तो ऐसे करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि किसी भी कॉलेज में, आपको हम ये बता दें, गवर्नमेंट कॉलेज हो या प्राइवेट कॉलेज हो, एमबीबीएस छोड़ के, एमबीबीएस की हम बातें नहीं कर रहे हैं, और जितने भी कॉलेज हैं और जितने भी कोर्स हैं, किसी भी कोर्स में प्लेसमेंट नहीं होना है। हम आपको ये गारंटी दे रहे हैं, किसी भी कोर्स में प्लेसमेंट नहीं होता है। प्लेसमेंट आपको खुद जो है इंटरव्यू और वैकेंसीज निकलती हैं, उनके थ्रू आप जो है उसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन ये जो कोर्स है बीएससी नर्सिंग है, इसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में जो है, जब से कोविड हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इस पर फोकस कर दिया है, वैकेंसी ज़्यादा निकलती है। लेकिन जो वैकेंसीज का रेशियो है वो भी आप देखेंगे, 80 और 20 का रेशियो है, 80% गर्ल्स को लेते हैं और 20% जो है बॉयज़ को लेते हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत है बॉयज़ के लिए। और लेकिन कॉलेज का प्रेफरेंस आप देंगे, आप अच्छे कॉलेज का प्रेफरेंस अच्छे से देंगे, इसके बाद फिर जो है ऐसे ही कॉलेज लो लेवल प्रेफरेंस देंगे। क्योंकि इसमें अगर आपका कॉलेज अलाट हो जाता है एक बार फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में, तो आप सेकंड राउंड काउंसलिंग में जाते हैं। तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में जो आपने 5500 रुपये रजिस्ट्रेशन दिया था, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन यहाँ पे लग रहा है, और 5000 रुपये सिक्योरिटी मनी लग रही है, तो सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त कर ली जाएगी। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, सिक्योरिटी मनी 5000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। और अगर आपकी सीट अलाट हो जाती है तो, अगर आपकी सीट अलाट हो जाती है, वो सीट आप नहीं लेते हैं, गवर्नमेंट ही सीट अलाट करेगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी काउंसलिंग आज से स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करके लॉगिन करेंगे। पहले तो आप आज ये पेमेंट करेंगे, क्योंकि पेमेंट की अभी विंडो खुली हुई है। पेमेंट जैसे ही करेंगे, नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड अपने आप हो जाएगा। 500 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन करेंगे, 5000 रुपये दे के सिक्योरिटी मनी जो है देंगे। इसके बाद अगर आप चाह रहे हैं कि सीट अलाट हो गई और दूसरा कॉलेज लेना चाह रहे हैं, तो फिर सीट अलाट होने के बाद ये जो 5000 रुपये हैं ये रिफंड नहीं होंगे, इसमें नॉन रिफंड लिखा हुआ है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉलेज अलाट हो जाता है, और कॉलेज अलाट हो जाएगा क्योंकि सीटें बहुत ज़्यादा हैं, लगभग 6000 प्लस यहाँ की सीटें हैं, कॉलेज अलाट हो जाता है तो पैसा नॉट रिफंड होगा। अगर कॉलेज अलाट हो जाता है पैसा रिफंड नहीं होगा, सेकंड काउंसलिंग के लिए आपको पैसा फिर से देना पड़ेगा 5000 रुपये। ये काफ़ी
खराब प्रक्रिया है जो अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी ने काउंसलिंग करवा रही है आज से बीएससी नर्सिंग का। ये बहुत ही खराब प्रक्रिया है क्योंकि हमारे यहाँ जो यूपीएमएस है सीपी नेट नाम से एग्जाम कंडक्ट करवाता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट राउंड में पहले दिन आपकी अगर 1 से 500 तक रैंक तक बुलाया जाता है, तो अगर आप सीट कोई ले लिए, मान लीजिए आप सीट बीएससी नर्सिंग ले लिए, आप 5,000 रुपये यहाँ पे दे दिए, अब तो इस साल से 10,000 रुपये हो गया है। फिर अगर आप सेकेंड काउंसलिंग में दूसरे दिन भाग लेना चाहते हैं तो फिर वहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो 5,000 रुपये है वो आपका ऐड हो जाएगा। अगर आप नहीं लेना चाहते 5,000 रुपये रिफंड भी हो जाएगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप सीट नहीं लेना चाहते हैं तो 5,000 रुपये रिफंड हो जाएगा यूपीएमएस में, और आप सेकेंड काउंसलिंग जो होगी उसमें आके आप दूसरी सीट, आप बीपीटी लेना चाहते हैं, बी आपटो लेना चाहते हैं, या बीआरआईटी लेना चाहते हैं, या डिप्लोमा के जो कोर्स हैं वो लेना चाहते हैं, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है, जो यहाँ पे ऐसा है वो बहुत ही खराब प्रक्रिया हमको लग रही है, क्योंकि जैसा अटल बिहारी वाजपेयी में जो काउंसलिंग हो रही है, काउंसलिंग बहुत ही सही नहीं हो रही है। एक तरीके से देखा जाए काउंसलिंग बहुत ही जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो ठीक नहीं हमको लग रही, क्योंकि यहाँ पे ये 5,000 रुपये रिफंड नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 रुपये रिफंड हो जाएगा, लेकिन 5,000 रुपये रिफंड नहीं होंगे अगर आपकी सीट अलाट हो जाएगी। और सीट तो 100% अलाट हो जाएगी, क्योंकि सीट इसमें बहुत ज़्यादा है, 6,000 सीट्स हैं और कोर्स एक ही है बीएससी नर्सिंग, तो सीट तो अलाट होनी है, प्राइवेट कॉलेज बहुत ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे वो स्टूडेंट काउंसलिंग कराएं जिनकी रैंक अच्छी है, ठीक ठाक है, और गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना चाहते हैं वही काउंसलिंग कराएं हमारे हिसाब से, क्योंकि अगर काउंसलिंग आप करवा रहे हैं रैंक आपकी ज़्यादा है, आप विशेष ध्यान देंगे, रैंक आपकी ज़्यादा है, काउंसलिंग करवा रहे हैं, मान लीजिए रैंक आपकी 500 है और काउंसलिंग करवा रहे हैं, सीट गवर्नमेंट की 200 है, आप सोच रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज लें, सभी लोग काउंसलिंग करा रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एक एक रैंक पे जो है काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे हैं, एक एक नंबर पे बहुत ज़्यादा रैंक है, यहाँ भी हमने देखा जो है एक एक रैंक पे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट है, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है। और 5,000 रुपये आपके ये वापस नहीं होंगे, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन ये तो जाने ही हैं, 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन ये जाएंगे, 500 रुपये जाएंगे और 5,000 रुपये ये वापस नहीं होंगे, 5,000 रुपये भी जब्त कर लिया जाएगा क्योंकि आपकी सीट वहाँ पे अलाट हो जाती है। इसलिए आप पहले गवर्नमेंट कॉलेज का प्रेफरेंस देंगे जहाँ तक करेंगे, इसके बाद प्राइवेट कॉलेज का, जो अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं जो सिटी में है, लखनऊ जहाँ तक कोशिश करेंगे, लखनऊ या ग्रेटर नोएडा या बनारस में जो कॉलेज हैं एपेक्स वगैरह, वहाँ का प्रेफरेंस आप पहले देंगे, इसके बाद जो है जो वैसे प्राइवेट कॉलेज होंगे उनका प्रेफरेंस आप सबसे नीचे दे दीजिएगा। तो ऐसे अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो इंस्टाग्राम लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, काउंसलिंग के लिए पूरी आपकी हेल्प की जाएगी, क्योंकि हर स्टूडेंट काउंसलिंग अभी नहीं करवाया, बहुत स्टूडेंट नए हैं काउंसलिंग के बारे में नहीं जानते हैं, तो काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप एक बार एडमिशन ले लेते हैं फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है, अगर किसी वैसे कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं पूरे साल जो है तक आप कोर्स करते रहेंगे, बहुत ही मतलब दिक्कत होती है कि हमने कहाँ आके फंस गए, एडमिशन कहाँ ले लिया। तो आप अगर एक साल लेट ही हुआ, इस साल नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आप प्रिपरेशन करिए अच्छे से, नेक्स्ट साल एडमिशन हो जाएगा। अभी सीपी नेट है, इसमें आप अच्छे से पूरा कोशिश करिए, पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ सीपी नेट में एडमिशन आराम से हो जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज है और फीस काफ़ी कम है। लेकिन आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन बिल्कुल ना लें जिस कॉलेज की वैल्यू अभी तक नहीं थी, लेकिन वो भी अटल बिहारी वाजपेयी, आपको पता है कि 120 कॉलेज ऐड हो चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी से, तो 120 कॉलेज में बहुत कॉलेज ऐसे हैं जिनका नाम तक नहीं था, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड हो चुके हैं। तो ऐसे आप ना लें कि वो भी कॉलेज ले लें, बहुत से कॉलेज कानपुर में अलग अलग जहाँ पे हैं, गांव में बहुत से कॉलेज खुले हुए हैं, आप जान ही रहे हैं, नर्सिंग के कॉलेज बहुत ही ज़्यादा ओपन हो चुके हैं और ज़्यादातर विधायक मंत्री के ही कॉलेज हैं। तो आप ऐसे, और बहुत से कॉलेज हैं जिनमें हॉस्पिटल नहीं है, मतलब प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं है, तो आप इसका भी विशेष ध्यान देंगे, आप इसका विशेष ध्यान देंगे, एक मेडिकल स्टूडेंट होने के कारण हम आपको बता रहे हैं, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिकल फील्ड में। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तब भी चल जाएगा, लेकिन आपके पास एक अच्छी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आप अच्छे प्रैक्टिशनर होने चाहिए, तो इसके लिए आपको एक हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ हॉस्पिटल बगल में ही है, क्योंकि अपना यूनिवर्सिटी का ही हॉस्पिटल है, ट्रामा सेंटर और सारी चीज़ें ओपीडी हैं, तो हॉस्पिटल भी बहुत ज़रूरी होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तो इसके लिए ये भी आप चीज़ देखेंगे वहाँ पे कॉलेज में, जो कॉलेज लेना चाह रहे हैं उसके बारे में फ़ोन करेंगे और फिर जो है गूगल पे सर्च कर लेंगे कि कौन से कॉलेज अलाट हम कर रहे हैं, मतलब प्रेफरेंस दे रहे हैं और उसमें क्या है,
तो ये भी बहुत जरूरी है, ये भी आप चीज विशेष ध्यान देंगे। एक कॉलेज किस एरिया में लोकेशन है उसका भी आप विशेष ध्यान देंगे, जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेज है तभी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो वहाँ पे फैकल्टी सारी जो सुविधाएं होती हैं काफी अच्छी होती हैं। लेकिन अगर जो स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, लखनऊ से बाहर एडमिशन ले रहे हैं, लखनऊ में एडमिशन ले रहे हैं, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि लखनऊ में अधिकतर जो है उनका अपना हॉस्पिटल है, और जैसे सहारा हो गया या विवेकानंद हो गया और जितने कॉलेज हैं, समर्पण हो गया, इनके अपने खुद के हॉस्पिटल है, नहीं तो इनका जो पोस्टिंग होता है ये आरएमएल में होता है या केजीएमयू में पोस्टिंग होती है सहारा का, और सहारा का अपना तो खुद हॉस्पिटल, लेकिन समर्पण का और जितने कॉलेज हैं इनकी पोस्टिंग होती है, तो केजीएमयू में होगी या तो पोस्टिंग जो है इनका खुद का अपना हॉस्पिटल में होगा। तो यहाँ चीजें काफी सही हैं सिटी में, लेकिन जो रूरल एरिया में है ऐसे कॉलेज में बिल्कुल आप एडमिशन नहीं लेंगे, नहीं तो बहुत दिक्कत हो सकती है आपके लिए। तो ये सारी चीजें रही, आप काउंसलिंग करवाइए, अच्छे से करवाइए, कंग्रेचुलेशन अगर आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो आप इसका विशेष ध्यान दीजिए, बहुत अच्छे से फोकस करिए कि हम जहां एडमिशन ले रहे हैं वो कॉलेज कैसा है। ऐसा ना हो कि कॉलेज तो सभी अच्छे ही होंगे क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से ऐड हो गए हैं, लेकिन हर कॉलेज अच्छा नहीं है। वो भी कॉलेज जिनमें एडमिशन नहीं होता था उनकी फीस बहुत कम होती थी, वो भी कॉलेज ऐड हो चुके हैं, अब मनमानी अपने हिसाब से फीस लेंगे जो है, और फिर वहां पे अंदर आप देखेंगे बहुत ही ज्यादा फीसें होती हैं। प्राइवेट कॉलेज में अलग अलग चार्ज लगता है, बस चार्ज अलग लगेगा, पोस्टिंग चार्ज अलग लगेगा, गवर्नमेंट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। और काउंसलिंग थोड़ा ही अजीब हमको लगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया कुछ अलग ही है। अगर आप गवर्नमेंट में सीट ले रहे हैं बहुत अच्छा, प्राइवेट में आप अच्छे कॉलेज में सीटें लेंगे, और फिर हम आगे अभी देखेंगे जो इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस में उसकी भी बात हम कर लेते हैं, इंस्ट्रक्शन को हम पढ़ लेते हैं क्या है इंस्ट्रक्शन में। बाकी आप लोग सीपी नेट की प्रिपरेशन करते रहें, काउंसलिंग आप करवाइए, अगर काउंसलिंग जो स्टूडेंट करवा रहे हैं वो काउंसलिंग भी करवाएं और सीपी नेट की प्रिपरेशन करते रहें, क्योंकि एग्जाम 25 दिसंबर को है, रिविजन ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखते हैं हम आगे इंस्ट्रक्शन में लिखा गया उसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे अप्लाई ऑनलाइन फॉर काउंसलिंग, काउंसलिंग के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। पे काउंसलिंग फीस, यहाँ पे आप फीस पे करेंगे, पहले फीस पेमेंट हो रहा है, आप इसका ध्यान देंगे, फीस का पेमेंट पहले हो रहा है, आप फीस पे करेंगे एसबीआई के थ्रू। फीस पेमेंट सिर्फ एसबीआई के थ्रू हो रहा है और किसी बैंक के थ्रू फीस पेमेंट नहीं हो पाएगा। आप इंस्ट्रक्शन इसको पढ़ लेंगे और यहाँ से प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड जैसे ही करेंगे देखेंगे यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है, यहाँ पे खुल गया है कि पेमेंट सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, पेमेंट कैटेगरी आप सिलेक्ट करेंगे तो पेमेंट सिलेक्ट कैटेगरी इनको देना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे एक ही कोर्स के लिए एडमिशन ये ले रहे हैं, बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग सीईटी 2021। तो यहाँ पे ये सिलेक्ट करेंगे और फिर जैसे ही आप ये सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, नेम, जेंडर, जेंडर आप डाल देंगे, जेंडर यहाँ पे मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर भी है, और मोबाइल नंबर डाल देंगे, फी अमाउंट डाल देंगे। फी अमाउंट यहाँ पे देखेंगे अपने आप फिल हो गया है, फी अमाउंट चेंज आप नहीं कर सकते हैं, 5,500 रुपये पेमेंट हो गया है यहाँ पे अगर आप करेंगे तो। रिमार्क यहाँ पे, इन केस ऑफ एनी पेमेंट रिलेटेड इशू प्लीज़ सेंड मेल, इस पर आप मेल कर देंगे, अगर कोई पेमेंट में इशू आ रहा है तो इस पर आप मेल कर देंगे। नेम, प्लीज़ इंटर योर नेम, डेट ऑफ बर्थ फॉर पर्सनल बैंक इनकॉर्पोरेशन, फॉर द कॉर्पोरेशन बैंक, मोबाइल नंबर, दिस इज रिक्वायर्ड टू रिप्रिंट योर रिसिप्ट। फिर इसको आप नेम, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, इंटर द टेक्स्ट एज सोन इन दी, इसको 49039 इसको इंटर करके आप सबमिट कर देंगे। तो आप सबमिट कर देंगे, फीस आपकी पेमेंट हो जाएगी। फीस पेमेंट करने के बाद आप बैक आएंगे और इंस्ट्रक्शन फॉर स्टूडेंट एंड कॉलेज, एक स्टूडेंट के लिए इंस्ट्रक्शन है, कॉलेज के लिए नहीं है, स्टूडेंट के लिए विशेष कर है। काउंसलिंग प्रक्रिया कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी 2021, काउंसलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में संपन्न की जाएगी, मतलब फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग यहाँ पे नहीं होने वाली है, थर्ड काउंसलिंग अगर होगी तो मॉप अप राउंड होगा। वरीयता क्रम में विकल्प चॉइस फिलिंग के पश्चात चॉइस लॉक करना होगा, आप चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉलेज आप लॉक कर देंगे, ना करने की दशा में वही भरी हुई विकल्प चॉइस को अंतिम माना जाएगा, जो अगर आप लॉक नहीं करेंगे, जो आपने विकल्प भरा हुआ है अपने आप लॉक हो जाएगा, वही लास्ट विकल्प माना जाएगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन जो इसका होने वाला हो 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन हो चलेगा, जो है आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 22 दिसंबर से 25 दिसंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन चलेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में भरने के दौरान अभ्यर्थी के आवंटित रोल नंबर एवं जन्मतिथि का उपयोग कर वेबसाइट पर लॉगिन किया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए कुल भुगतान 5,500 रुपये ऑनलाइन एसबीआई के थ्रू सिर्फ पेमेंट हो रहा है, 500 रुपये देना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, 5,000 रुपये देना पड़ेगा सिक्योरिटी मनी के लिए। सिक्योरिटी मनी
रिफंडेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल लिखा हुआ है, लेकिन रिफंडेबल नहीं होगा, 500 रुपये आपका जब्त कर लिया जाएगा, रिफंडेबल नहीं है 500 रुपये। रजिस्ट्रेशन ये लिया जाता है, हमारे यहाँ भी 500 रुपये रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, और हर साल 5,000 रुपये लिया जाता है, लेकिन इस बार 10,000 रुपये हो गया UPMS में भी, और 10,000 रुपये आपके रिफंड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 5,000 रुपये रिफंड नहीं होगा। ये सिक्योरिटी मनी है, जमा करना होगा, उपरोक्त जमा ना होने की दशा में पंजीकरण की कार्रवाई पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो आप ये पूरी प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसका हमने डिस्कशन अभी किया हुआ है। अभ्यर्थी को प्रथम चक्र में आवंटित सीट पर प्रवेश प्राप्त करना होगा। आवंटन के पश्चात प्रवेश ना लेने अथवा प्रवेश के पश्चात त्यागपत्र देने की दशा में अभ्यर्थी द्वारा जमा की गई धरोहर धनराशि 5,000 रुपये जब्त कर ली जाएगी। ऐसे अभ्यर्थी पुनः धरोहर धनराशि 5,000 रुपये जमा करने के पश्चात ही द्वितीय चक्र में काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर आपका सीट अलाट हो जाता, कॉलेज अलाट हो जाता, चाहे जो कॉलेज अलाट हो जाए, इसमें ये भी नहीं लिखा हुआ है, अगर कॉलेज अलाट हो जाता है तो 5,000 रुपये वो जब्त कर लिए जाएंगे, और 5,000 रुपये जब्त कर लिए जाएंगे। आप अगर सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं तो उसके लिए आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा, ऐसा लिखा है पॉइंट नंबर 10 में। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चक्र में सीट आवंटित हो जाती है और वे द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी भाग लेते हैं, तथा द्वितीय चक्र की काउंसलिंग में भी उन्हें प्रथम चक्र में आवंटित सीट की पुनः आवंटित हो जाती है, मतलब फर्स्ट काउंसलिंग में आप करवाएं 5,000 रुपये जब्त हो गया, सेकंड काउंसलिंग में फिर आप 5,000 रुपये दिए, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन एक बार करवा लिए, 5 रुपये आपको बार बार नहीं देना पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग में भी 5,000 रुपये दिए, फिर 5,000 रुपये आपके सेकंड काउंसलिंग में पूरा फिर से आप प्रक्रिया वही करेंगे जो पहले काउंसलिंग में किए थे, डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, जितनी सारी प्रक्रिया किए थे उतना सेकंड काउंसलिंग में भी करना पड़ेगा आपको। उन्हें द्वितीय चक्री काउंसलिंग के पश्चात पुनः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, अन्यथा उनका आवंटन निरस्त माना जाएगा, उक्त सीट को रिक्त मानते हुए मापप चक्र में भर दिया जाएगा। मतलब आपकी सीट मापअप राउंड में चली जाएगी, आप अगर सेकेंड काउंसलिंग में भी सीट को नहीं लेते हैं। सिक्योरिटी फीस, हॉस्टल फीस आदि द्वितीय चक्र की काउंसलिंग के उपरांत ही प्रवेशित कॉलेज में जमा की जाएगी। मतलब एडमिशन के दौरान जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे, वहाँ पे आप जो भी फीस होगी, कॉलेज की फीस होगी और सारी चीज़ें फीस होगी, उसको आप उस कॉलेज में जमा करेंगे। सिर्फ ये काउंसलिंग करवा रहा है, बाकी और कुछ चीज़ें यहाँ पे नहीं हो रही हैं। 5,500 रुपये में सिर्फ यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी सिर्फ काउंसलिंग करवा रही है 5,500 रुपये में। तो ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पॉइंट नंबर 5 और पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 5 ये कह रही है कि अगर कॉलेज अलाट हो जाता है, और कॉलेज 100% अलाट हो जाएगा, जैसा हम आपके बताए भी हैं कि यहाँ पे सीटें लगभग 5 से 6 हज़ार सीटें हैं, तो कॉलेज अलाट हो जाएगा, बहुत 120 कॉलेज यहाँ पे ऐड हैं, तो आपकी जो धनराशि है 5,000 रुपये ये वापस नहीं होगी अगर आप यहाँ पे एडमिशन नहीं लेते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन रही अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो इंस्टाग्राम लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद।